हेलो फिनेनिक व्यूअर्स, सो मैंने जो पोर्टफोलियो बना के रखा था आप लोगों के लिए कि टाइम पे आपको डिलीवर करना है जहाँ से अच्छा रिटर्न मिल सकता है कुछ मिड टर्म के लिए, ये बिल्कुल भी मतलब लॉन्ग टर्म जाने वाला पोर्टफोलियो नहीं है। यहाँ से आप कुछ स्टॉक्स को हटा के एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बना सकते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिसके साथ आप लॉन्ग टर्म जा सकते हो, बट हर एक स्टॉक्स के साथ जाओगे तो रिस्क ही रहेगा क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत हाई हो जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए। बट इस टाइम के लिए ये सब के सब स्टॉक्स अपने डिमांड जोन पे हैं जहाँ से एक बहुत अच्छा मूव दे सकते हैं, अप मूव लाइक 10-20% ईजी रिटर्न यहाँ से दिख रहा है। सो आप इस स्टॉक्स के साथ बिल्कुल जा सकते हो और बहुत ही अच्छा रिटर्न आपको ज़रूर मिलने वाला है। तो आप इस पे पहले क्या करना है, इसको पहले आप स्मॉल कैश को ओपन करना है, उसके बाद इस स्मॉल कैश को सेव कर लेना है, उसके बाद आप चाहे तो इस पे इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर वॉच लिस्ट पे रख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आप चाहते हो कि मैं पूरा बाय नहीं कर पा रहा तो आप अपने हिसाब से सही से बाय कर लो, इसको स्मॉल कैश को ऐड करो, स्टॉक्स देखो कितना सेल्स है इसमें मैंने डिवाइड करके रखा है, उस हिसाब से आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो। बट मेरा पोर्टफोलियो में यहाँ पर कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो नए IPO आए थे जिन स्टॉक्स का, उस पर मैंने ज़्यादा स्टेक्स रखा है क्योंकि वो स्टॉक्स पे अच्छा अप मूव आ सकता है यहाँ से। और कुछ ऐसे स्टॉक्स है जैसे कि केमिकल सेक्टर से, मैं नाम नहीं बताऊँगा आप खुद ही देख सकते हो, तो वो स्टॉक्स भी एक अच्छा मूव दे सकता है यहाँ से। बट मैं नाम बिल्कुल नहीं बताने वाला क्योंकि ये सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए और मेरे साथ आप लोगों के लिए। सो बेसिकली एक हाई रिस्क वाला और हाई रिवॉर्ड वाला पोर्टफोलियो है, जिसको रिस्क पसंद है वही उसके लिए ही है। और मैंने इसीलिए इस पोर्टफोलियो का नाम भी रखा है, सेगमेंट का नाम रखा है, रिस्क है तो इश्क है, फिनेनिक हाई ग्रोथ स्मॉल कैश। थैंक यू।